हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 22 दिन से चला सेना व प्रशासन के नेतृत्व में रेस्क्यू दल, शाम निकला नरेंद्र का शव कुएं में से बाहर। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम बोरंडी में बेरा संदड़ा पर कुएं की मरम्मत करते हुए मलबे में दबा नाबालिग नरेंद्र का शव 22वें दिन देर शाम को कुएं से निकाला बाहर। मेडिकल बोर्ड द्वारा आज किया जाएगा पोस्टमार्टम। प्रशासन कर रहा है नरेंद्र के परिजनों से समझाइश। नरेंद्र के परिजन ने शव लेने से किया इनकार। मौके पर मौजूद सेना के कर्नल प्रवीण, सेना के मेजर मनीष, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी एवं मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार रामलाल मीना, विकास अधिकारी किशन सिंह, सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम, बगड़ी नगर थाना अधिकारी बाबूलाल जांगेड़, सवराड पूर्व सरपंच कैलाश मालविया सहित सेना के 27 जवान, QRT के जवान, RAC व पुलिस कर्मी व ब्लॉक के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, इन्होंने ये कहा। 22वां दिन था, सभी को ध्यान है, 22 जून को ये घटना हुई थी और जो आज मतलब पूरा बॉडी रिकवर हो गया और देखा गया नया बॉडी को, उनसे बात कर रही है, पोस्टमार्टम वगैरह इसमें आप जैसे आप लोग डेली बेसिस पर मॉनिटर कर रहे, देख रहे थे आप लोगों की आर्मी जो टेक्निकल कोर पर है उसका मेन रोल रहा है, यहाँ का लोकल प्रशासन भी उसमें पूरा हेल्प मिल रहा थ्रू आउट। 22 दिन तक सभी लोगों के सहयोग से सरपंच साहब और उनके साथीगण लोकल एक्सपर्ट थे, वो सबकी एक्सपर्टी के उपयोग से ये काम सफल हो गया। सर, सेना के कितने लोग थे और कौन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था? पूरे यहाँ मेजर मनीष साहब हैं, जो इंजीनियरिंग कोर होती है आर्मी की, पूरी टुकड़ी यहाँ पर थी, आपको ध्यान ही है पूरा, और मेजर रोल उन्हीं का रहा, साथ में उन्होंने ही अपने स्तर पे और हम लोगों ने भी आज आगे सरपंच के पास के और उन्होंने पूरा जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कारीगर यहाँ बुलाए और उन्होंने एक काम को संपन्न किया। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।